गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। श्रद्धा हत्या मामला, आफताब का परिवार हुआ अंडरग्राउंड, तलाश में जुटी दिल्ली और मुंबई पुलिस। जी हां दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस एडी चोटी का जोर लगा रही है। अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशंस पर जांच में जुटी है। एक टीम ने मुंबई में भी मोर्चा संभाल रखा है। यहां पुलिस टीम ने वर्सई इलाके की रीगल बिल्डिंग में पूछताछ की, जहां श्रद्धा और आफताब रहते थे। अब पुलिस को आरोपी के परिवार की भी तलाश है। घर शिफ्ट करने के बाद से उसका कोई अता पता नहीं है। परिवार की तलाश में महाराष्ट्र की नया नगर पुलिस और मानिकपुर पुलिस ने भी टीमें गठित की है। सूत्रों के मुताबिक आफताब के परिवार ने कुछ समय पहले ही नया घर में एक मकान किराए पर लिया था, लेकिन अब परिवार वहां नहीं रहता है। आफताब के माता पिता और भाई का फोन भी बंद आ रहा है। वहीं आरोपी के दोस्तों को भी उसके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल दोस्तों, मामले से जुड़े एक गवाह ने दावा किया कि आरोपी के परिवार को श्रद्धा के साथ रोज रोज हो रही मारपीट के बारे में जानकारी थी और उन्हीं ने आफताब को संरक्षण दे रखा था। मुंबई के वसई से सटे नाला सपोरा की रहने वाली पूनम बिरलान ने दिल्ली पुलिस को बताया कि जब श्रद्धा और आफताब एवर शाइन इलाके में रहने के लिए आए थे, तब श्रद्धा उनके पास तीन बार मदद मांगने के लिए आई थी। एक बार तो पूनम श्रद्धा को साथ लेकर तुलिंज पुलिस थाने भी पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए FIR दर्ज करने की तैयारी थी। श्रद्धा भी तैयार हो गई थी, लेकिन आरोपी के माँ बाप ने श्रद्धा को कन्विंस कर लिया था। पूनम ने आरोप लगाया था कि आफताब को उसके माँ बाप ने संरक्षण दे रखा था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत जोड़ो यात्रा, पीएम मोदी ने बताया था वनवासी, अब राहुल गांधी ने समझाया आदिवासी का मतलब। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी को वनवासी बोलने पर निशाना साधा है। उन्होंने महाराष्ट्र में कहा कि आदिवासी भारत के असली मालिक हैं। राहुल गांधी ने बुलढाबा जिले में आदिवासी महिला वर्कर्स सम्मेलन संबोधित करते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग है। आदिवासी शब्द कहता है कि आप हिंदुस्तान के असली मालिक हैं और वनवासी शब्द कहता है कि आप सभी जंगल में रहते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के आदिवासियों को अधिकार देने वाले कानून को केंद्र सरकार ने कमजोर किया है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार पंचायत अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, भूमि अधिकार पंचायत राज अधिनियम और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे कानूनों को कमजोर कर रही है। साथ ही दावा किया कि सरकार आने पर हम इस कानून को मजबूत करेंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासियों की जमीन लेकर अपने व्यापारी दोस्तों को देना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को नहीं समझ रहे तो देश को नहीं समझ पाएंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने आदिवासियों के लिए वनवासी शब्द का प्रयोग किया। इन दोनों शब्दों का मतलब बिल्कुल ही अलग है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कवि कुमार विश्वास की जान को खतरा, भगवान राम की महिमा मंडल करने पर मिली जान से मारने की धमकी। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव और दिल्ली MCD चुनाव के बीच कवि कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी मिली है। साथ ही उन्हें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी नहीं करने की भी चेतावनी दी गई है। कुमार विश्वास के मैनेजर ने बताया कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी जा रही है। कुमार विश्वास के मैनेजर प्रवीण पांडे ने कहा कि कुछ दिनों से एक शख्स की से लगातार ईमेल के माध्यम से धमकी दी जा रही है। ईमेल करने वाले व्यक्ति ने भगवान राम के लिए बेहद अपमानजनक बात कहते हुए उनका महिमा मंडल नहीं करने की चेतावनी दी। साथ ही धमकी देने वाले शख्स ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास से बेहतर बताते हुए उन पर टिप्पणी नहीं करने की चेतावनी दी। प्रवीण पांडे ने बताया कि शख्स ने ईमेल में लिखा कि मैं शहीद उद्धम सिंह की शपथ खाता हूं कि तुझे मार दूंगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। CGI चंद्रचूड़ का अहम बयान, कहा गंभीर अपराधों में जमानत देने से हिचकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, इनको टारगेट किए जाने का है डर। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज हीनियस क्राइम यानी कि जघन्य अपराध में जमानत देने से हिचकते हैं। यही वजह है कि हाईकोर्ट्स में जमानत याचिकाओं की बाढ़ आती जा रही है। यह बात उन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से किए सम्मान समारोह के दौरान कही। इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जिला स्तर पर जज अपराध को नहीं समझते हैं, बल्कि उन्हें जमानत देने के बाद खुद को निशाना बनाए जाने का डर होता है। इस डर के बारे में
में कोई बात नहीं करता जो हमें करनी चाहिए। इससे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पैनापन कम हो रहा है और हाई कोर्ट्स के कामकाज पर असर पड़ रहा है। सीजीआई ने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज को अपनी योग्यता और ऊपरी अदालतों पर भरोसा नहीं होगा तो हम उनसे किसी अहम मामले में जमानत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, भारत में जुडिशरी सिस्टम कैसे काम करता है, इसका हम आपको एक छोटा सा प्रारूप बता देते हैं। दरअसल सबसे पहले आता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट और सब ऑर्डिनेट जज क्लास 3, इसके बाद में अपील होती है सब ऑर्डिनेट जज क्लास 2 में, इसके बाद में सब ऑर्डिनेट जज क्लास 1 में, इसके बाद में अपील करना चाहे तो अपील कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के सामने, इसके बाद में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और अगर वहां पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमेरिका में सिख स्टूडेंट कॉलेज में कृपाण पहन सकेंगे, यूएस यूनिवर्सिटी ने बदली पॉलिसी। 2 महीने पहले कृपाण पहने छात्र की गिरफ्तारी हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पढ़ रहे सिख स्टूडेंट अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कृपाण पहन सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने अपनी वेपन्स ऑन कैंपस पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। यह फैसला 2 महीने पहले हुई एक सिख स्टूडेंट की गिरफ्तारी के बाद लिया गया। सितंबर में नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में एक सिख छात्र कृपाण डालकर पहुंचा था, लेकिन वहां पर उसे सिरी साहब उतारने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। वीरता और साहस की निशानी समझे जाने वाले कृपाण को सिख अक्सर कमर पर लटकाते हैं या फिर बैग आदि में रखते हैं। ये छोटी तलवार की तरह दिखता है। कुछ लोग आजकल कृपाण की जगह छोटे चाकू भी रखते हैं। यूनिवर्सिटी की नई पॉलिसी के मुताबिक ब्लेड की लंबाई 3 इंच से कम होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा कि हमने 10 सिख कोएलिशन ऑन ग्लोबल सिख काउंसिल समेत कई सिख लीडर्स के साथ चर्चा करने के बाद पुरानी पॉलिसी में बदलाव किए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा भगोड़ा जाकिर नाइक, भारत में हेट स्पीच का आरोपी कतर में देगा मजहबी लेक्चर। जी हाँ दोस्तों, विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक निमंत्रण पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर पहुंचा। नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच का आरोप है। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक वह पूरी प्रतियोगिता के दौरान धार्मिक व्याख्यान देंगे। 2016 के अंत में भारत ने नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया था कि नाइक ने विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या अन्य नकारात्मक भावनाओं को फैलाने के प्रयास में समूहों के सदस्यों को प्रोत्साहित और सहायता की। भारत छोड़ने के बाद नाइक मलेशिया चला गया। फिल्म निर्माता जयन खान ने ट्वीट किया, हमारे समय के सबसे लोकप्रिय इस्लामिक विद्वानों में से एक डॉक्टर जाइक नाइक फीफा वर्ल्ड कप के लिए कतर पहुंच गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रद्धा केस में बड़ा अपडेट, आफ्ताब ने मैदानगढ़ी के तालाब में फेंका था सिर, पुलिस ने कराया खाली। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर हत्याकांड मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या के बाद उसके शरीर के 35 टुकड़े किए थे और उसके शव के एक एक हिस्से को अलग अलग जगहों पर फेंकने में जुटा हुआ था। वह अब पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस शव के टुकड़े और घटना से जुड़ी चीजों को बरामद करने में लगी हुई है। इसी बीच श्रद्धा केस में एक नया अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस नगर निगम के कर्मचारियों के साथ एक तालाब को खाली करा रही है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा का सिर आफ्ताब ने इसी तालाब में फेंका था। दिल्ली पुलिस श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला से लगातार पूछताछ कर रही है और उसकी निशानदेही पर कई जगहों पर सर्च अभियान चला रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, T20 में सूर्या के दम पर चल रही टीम इंडिया, पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा रन, स्ट्राइक रेट और चौके छक्के भी। जी हां दोस्तों, देश बदला, विरोधी टीम बदली, टूर्नामेंट बदला, बस एक बात नहीं बदली, वह सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी। माउंट मांगुई के बे ओवल मैदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में सूर्या ने सिर्फ 51 गेंदों पर 111 रन बना डाले। स्ट्राइक रेट रहा 217.64 का। इस पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए। दोस्तों सूर्या इस पारी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज रहे। दूसरे टॉप स्कोरर ईशान किशन रहे, उन्होंने 36 रन बनाए। सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी सूर्या का ही रहा। दोस्तों 9 बॉल पर 13 रन बनाने वाले श्रेयस अय्यर दूसरे नंबर पर रहे, उनका स्ट्राइक रेट 144 का था। चौके और छक्कों में भी कोई सूर्या के आसपास नहीं रहा। दोस्तों T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए अब तक 11 शतक लगे हैं, 4 शतक इसी साल आए हैं, इनमें से 2 तो केवल सूर्य कुमार यादव ने ही लगा दिए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य कुमार की इस ताबड़तोड़ पारी के बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड को 68 रनों से हरा दिया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी वालों को मत ले आना वरना नरक बना देंगे, एमसीडी चुनाव पर जनसभा में बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पहाड़गंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 4 तारीख को एमसीडी का चुनाव है। 15 साल से दिल्ली नगर निगम में बीजेपी का शासन है, कोई एक काम बता दें। केजरीवाल ने इसी बीच जनता से पूछा, आपने कोई अच्छा काम किया है? तो जनता में से एक महिला बोली, स्कूल अच्छे किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने स्कूल अस्पताल अच्छे किए, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। दिल्ली में कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, एक मौका आम आदमी पार्टी को दो। जैसे बिजली पानी मुफ्त कर दिया, ऐसे ही सफाई भी करेंगे। मैंने सुना है कि कोई कूड़े का पहाड़ भी बनने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा वाले करोल बाग का कूड़ा रोज वसंत रोड पर डाला करेंगे, इसके बाद यहाँ बदबू करेंगे और उस हवा से कैंसर हो जाता है। वे लोग ऐसे करते हैं जैसे कोई हमारे ऊपर एहसान करते हैं, कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। ये इसलिए फ्री की रेवड़ी चिल्लाते हैं क्योंकि ये बिजली फ्री बंद करना चाहते हैं। जब तक आपका बेटा जिंदा है, बिजली फ्री मिलती रहेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई खत्म। भारत समर्थक शेर बहादुर देवबा और चीन के पैरोपकार केपी शर्मा ओली के बीच है मुकाबला। जी हां दोस्तों, नेपाल में रविवार को आम चुनाव के लिए वोटिंग हुई। मुकाबला वर्तमान प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा की नेपाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। नेपाल की संसद की कुल 275 सीटों और प्रांतीय विधानसभा की 550 सीटों के लिए वोटिंग हुई। 2015 में घोषित किए गए नए विधानसभा के बाद यह दूसरा चुनाव है। देश के 1,80,00,000 से ज्यादा वोटर अपनी सरकार को चुनेंगे, इसके रिजल्ट एक हफ्ते में आने की उम्मीद है। चुनाव पर भारत की नजरें भी टिकी है। दरअसल नेपाल सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि चीन का भी पड़ोसी है। भारत को चौतरफा घेरने के लिए चीन नेपाल की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। भारत और नेपाल के रिश्ते भी अहम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महंगाई का फिर से झटका, मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। जी हाँ दोस्तों, महंगाई इससे आम आदमी को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब दूध के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए हैं। मदर डेयरी ने दूध के दाम में इजाफा कर दिया है और फुल क्रीम मिल्क अब 63 रुपए प्रति लीटर की जगह 64 रुपए प्रति लीटर पर मिलेगा। दूध के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। इसके अलावा मदर डेयरी ने टोकन वाले दूध के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी और इसे 2 रुपए प्रति लीटर महंगा कर दिया है। मदर डेयरी ने टोकन मिल्क की कीमत को 48 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, यानी कि अब हर रोज की दूध चाय भी आपको महंगी पड़ने वाली है। हालांकि दोस्तों राहत की बात यह है कि फुल क्रीम दूध के आधे लीटर के पैकेट के दाम पर कोई इजाफा नहीं किया गया है, यानी कि अगर आप 1 किलो के लिए 500-500 लीटर के 2 पैकेट खरीदते हैं तो आपको पहले के दाम पर ही मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी नाना बने, बेटी ईशा को जुड़वा बच्चे हुए, बेटी को आदिया और बेटे को कृष्णा नाम दिया। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने शनिवार को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। ईशा रिलायंस रिटेल का बिजनेस संभालती है। उनकी शादी आनंद पीरामल से हुई। ईशा और आनंद की बेटी का नाम आदिया और बेटे का नाम कृष्णा रखा गया है। अंबानी और पीरामल परिवार ने रविवार दोपहर को मीडिया स्टेटमेंट में इसकी जानकारी दी। ईशा अंबानी और आनंद पीरामल की शादी 4 साल पहले मुंबई में हुई थी। दोस्तों मुकेश अंबानी के परिवार में अब 3 छोटे बच्चे हो गए हैं। उनके बेटे बहु आकाश और श्लोका को एक बेटा है जिसका नाम पृथ्वी है। मुकेश और नीता अंबानी कई मौकों पर अपने पोते पृथ्वी के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को फिर चुनौती, दक्षिण चीन सागर से सटे फिलीपीन के द्वीपीय प्रांत का दौरा करेंगी कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस रविवार से शुरू होने वाली फिलीपीन की अपनी यात्रा के दौरान उसकी सुरक्षा की अमेरिका प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगी। हैरिस फिलीपीन की इस अपनी यात्रा के दौरान एक वित्तीय प्रांत पालावाल भी जाएंगी जिसका एक तट विवादित दक्षिण चीन सागर से लगा हुआ है। अमेरिका चीन पर दक्षिण चीन सागर से छोटे दावेदार देशों को धमकाने का आरोप लगाता रहता है। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यात्रा से पहले एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि थाईलैंड में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद हैरिस रविवार रात मनीला के लिए उड़ान भरेगी और सोमवार को राष्ट्रपति फर्डिनेंड नार्कोस जूनियर से मुलाकात करेगी। अधिकारी ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य एशिया में वाशिंगटन के सबसे पुराने संधि गठबंधन को मजबूत करना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो आप बेसक
डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 21 महीने बाद ट्विटर पर ट्रंप, मस्क ने जनता की राय पर अकाउंट बहाल किया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ट्विटर पर वापसी हो गई है। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने ट्रंप के अकाउंट को बहाल करने पर एक ट्विटर पोल पोस्ट किया था। उन्होंने पूछा था कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का अकाउंट बहाल किया जाना चाहिए, हाँ या ना। 1.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने वोटिंग में हिस्सा लिया और 52% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 48% ने ना में। पोल खत्म होने के बाद ट्विटर बॉस ने लिखा, वॉक्स पॉपुली वॉक्स दे, एक लेटिन फ्रेज जिसका अर्थ होता है कि लोगों की आवाज भगवान की आवाज है। 6 जनवरी 2021 के बाद जब ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया गया था, तब उनके 88 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। रविवार सुबह करीब 6:30 पर 21 महीने बाद अकाउंट फिर से एक्टिव किया गया। अकाउंट बहाली के 50 मिनट के भीतर ही ट्रंप के 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पूर्व राष्ट्रपति दोबारा ट्विटर पर एक्टिव होंगे या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 24 साल की उम्र में एक्ट्रेस की मल्टीपल कार्डिक अरेस्ट से मौत। जी हाँ दोस्तों, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस एड्रीना शर्मा की रविवार को कार्डिक अरेस्ट आने की वजह से मौत हो गई। एड्रीना की उम्र 24 साल थी। बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को एड्रीला को मल्टीपल कार्डिक अरेस्ट आए, जिसके बाद उन्हें CPR भी दिया गया, लेकिन इसके बाद उन्हें देर रात एक और कार्डिक अरेस्ट आया, जिसके कारण उनकी जान चली गई। जानकारी के मुताबिक एड्रीला को 1 नवंबर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया था। वह कई दिनों से वेंटिलेटर पर थी। एड्रीला शर्मा कैंसर सर्वाइवर भी थी। उन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को 2 बार मात दी थी। आज के समय में कम उम्र में ही कार्डिक अरेस्ट का खतरा काफी ज्यादा बढ़ रहा है और कई सारे लोग कार्डिक अरेस्ट की वजह से कम उम्र में ही अपनी जान गंवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। सूर्य कुमार यादव के शॉर्ट्स देखकर चक्कर खा गए न्यूजीलैंड के कप्तान, कहा जीवन में नहीं देखे ऐसे शॉर्ट्स। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच बारिश से धुल गया था। दूसरे मैच में सूर्य कुमार यादव ने ऐसी पारी खेली जिसने रनों की बरसात कर दी। धमाल पारी देखते हुए इस बल्लेबाज ने 51 गेंदों पर 111 रन बना डाले। भारत ने 6 विकेट पर 191 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 126 रन पर ही आउट हो गई। मैच के बाद मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने सूर्य की पारी की जमकर तारीफ की। केन विलियमसन ने कहा कि हमने इस मैच में जैसा भी खेल दिखाया वो कहीं से भी सर्वश्रेष्ठ तो नहीं था। सूर्य कुमार यादव ने जो पारी खेली बहुत ही गजब की रही। मैंने जो अब देखा है उन सभी में ये सबसे ज्यादा बेहतरीन पारी रही है। कुछ शॉट्स तो उन्होंने ऐसे खेल डाले जो इससे पहले मैंने कभी देखे भी नहीं थे। भारतीय टीम आज बहुत ही कमाल खेली, हमने बिल्कुल भी अच्छा खेल नहीं दिखाया। हमें गेंदबाजी के दौरान वो लय हासिल नहीं हो पाई और ना ही विकेट मिल पाई। बल्लेबाजी के दौरान भी जैसी लय चाहिए थी वो भी हमारी टीम को नहीं मिल पाया। यह बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव ने जो पारी इस मुकाबले में खेली उसने ही हार और जीत के बीच अंतर पैदा किया। हम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरे तो हल्का स्विंग देखने को मिल रहा था और भारतीय गेंदबाजों ने इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि हम हमारी कमियों को दूर कर बेहतर करना चाहेंगे। छोटी छोटी चीजों को देखने की जरूरत है, कभी कभी कुछ खास पारियां देखने को मिल जाती है। सूर्य कुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, यानी कि दोस्तों न्यूजीलैंड के कप्तान ने भी सूर्य कुमार की जमकर तारीफ कर डाली है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहनाज ने सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया फिल्म फेयर अवार्ड, कहा ये तुम्हारे लिए है, मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस फेम एक्ट्रेस शहनाज गिल को हाल ही में दुबई में राइजिंग स्टार कैटेगरी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। शहनाज ने यह अवार्ड अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला को डेडिकेट किया। सिद्धार्थ और शहनाज बिग बॉस सीजन 13 में एक साथ शामिल हुए थे। सिद्धार्थ का पिछले साल हार्ट अटैक से निधन हो गया है। दोस्तों दुबई में मिडिल ईस्ट अचीवर्स अवार्ड फंक्शन में अवार्ड मिलने के बाद शहनाज को माइक दिया गया तो उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी टीम को बिल्कुल भी डेडिकेट नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरी मेहनत है और तू मेरा है और मेरा ही रहेगा, ठीक है। शहनाज ने आगे कहा कि एक चीज और, मैं एक बंदे को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए और मुझ में इतना इन्वेस्ट करने के लिए जिससे मैं यहाँ तक पहुँच पाई। सिद्धार्थ शुक्ला ये तुम्हारे लिए, उनकी स्पीच सुनने के बाद वहाँ मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर शहनाज की तारीफ की।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भाग मिल्खा भाग के लिए सोनम कपूर ने ली महज 11 रुपए की फीस। डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कैसे बनी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, शाहिद थे आज तक 2022 के मंच पर फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शुरुआती करियर गुलजार साहब के पहली मुलाकात दिल्ली में हुई परवरिश और किस तरह वह इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर बने यह पूरी कहानी बताई। यह भी बताया कि आखिर ब्लॉकबस्टर फिल्म भाग मिल्खा भाग कैसे बनी, उनका उन्हें आइडिया कैसे आया। दरअसल दोस्तों राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि फिल्म भाग मिल्खा भाग मैंने एथलेटिक्स पर नहीं बनाई थी। उस फिल्म को बनाने के पीछे आइडिया था कि मैं बड़े पर्दे पर फिल्म के जरिए पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में बता सकूं। देश का जब बंटवारा हो रहा था या हो गया था तो लाखों लोग आजादी की खुशियां मना रहे थे, लेकिन लाखों लोग पार्टीशन का दुख भी झेल रहे थे। तो यह बात मैं क्रिएट करना चाहता था, वह भी मिल्खा सिंह की लाइफ के जरिए। थोड़ा सुनकर थोड़ा रिसर्च करके मैंने पार्टीशन के बारे में फिल्म बनाने का सोचा था। मैं जैसे दिल्ली में पला बड़ा हूं तो आसपास रह रहे अंकल मुझे पार्टीशन के दौरान की कहानियां बताया करते थे, वहां से भी मुझे फिल्म बनाने का आइडिया आया। मैंने मिल्खा सिंह की आत्मकथा पढ़ी तो वह गुरमुखी में थी, वह मुझे आती नहीं थी, तो मैंने एक अंकल से उसे पूरी रात पढ़वाया और अगले दिन मुझे कहानी उन्होंने सुनाई। मेरे एक दोस्त ने मेरी मुलाकात मिल्खा सिंह के साथ चंडीगढ़ में ऑर्गेनाइज करवा दी। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ, वह भी आपकी जुबानी। उन्होंने मुझे 3-4 घंटे रखा, खाना खिलाया मुझे रखा और पूरी कहानी सुनाई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आंखें भी नम थी। मैं अगले 7 दिन तक चंडीगढ़ से वापस नहीं आया। उन्होंने एक कहानी और बताई। उन्होंने कहा कि मेरे से पहले मिल्खा सिंह के पास 1.5 करोड़ रुपए का ऑफर आया था उन पर फिल्म बनाने के लिए और उसके कॉपीराइट के लिए भी, उन्होंने वह ठुकरा दिया था। मैंने मिल्खा सिंह के बेटे से कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, आप बताइए कर लेंगे कुछ। तब आप यकीन नहीं मानेंगे उन्होंने मेरे से कितने पैसे लिए। मिल्खा सिंह ने मेरे से 1 रुपया लिया और सोनम कपूर ने केवल 11 रुपए लिए थे। फरहान अख्तर ने कहा कि पहले फिल्म बनाते हैं, इसके बाद देखते हैं, जो मिले जो मन में आए वह दे देना। ये जो कहानी बोल रहे हैं वह बहुत ही शानदार है, पहले फिल्म पर काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी को फ्लाइंग सिख पहली बार किसने कहा था तो जल्द इस कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।